कैसे हो बच्चे लोग यू आर वेलकम एट बजरा सीरीज एन ऑनलाइन सीरीज फॉर मेमोराइजेशन ऑफ सोशल साइंस टॉपिक विथ योर सोशल साइंस गुरु तिरमाल सर हैशैग अभ्यास यू आर वेलकम बच्चा ऑन दिस सेशन नंबर वन फोर ठीक है सो आज का ये जो सेशन है दिस विल गोइंग टू बी द लास्ट सेशन फॉर इंडियन कल्चरल हेरिटेज हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट सो यस दीन्स कि कल से कुछ नया आने वाला है yes, बेटा, और कुछ नया आने वाला भी है वो क्या है वो मैं एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको बताने वाला हूं तो पूरा लेक्चर ध्यान से सुनना ठीक है बेटा चलो हम हर बार की तरह इस बार भी क्या करेंगे सो लेटे स्टार्ट द रिविजन ऑफ सेशन नंबर थर्टीन अगर आपको पता हो अगर आपने ध्यान से देखा और देखा भी है आई नो तो लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने कौन से कौन से डांस के बारे में बात की थी तो we had talked about, आपको पता हो तो हमने कथक कथकली कुचिपुड़ी और मणिपुरी के बारे में दे, आ, देखा था बोलो क्लियर है क्लियर है ओके बेटा चलो सबसे पहले बात करते हैं कुचिपुड़ी की कुचिपुड़ी जो है पहले तो ये डांस कैसे लिखना है आंसर मैंने आपको बताया था कि पूरा आंसर जो है वो आपको तीन फेज में डिवाइड कर देना है जो फर्स्ट फेज है उसके अंदर आप क्या लिखोगे कहां से कहा इंपॉर्टेंस है वगैरह वगैरह जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो और जो लास्ट थर्ड फेज है उसके अंदर कौन कौन से इसके प्रिजर्वर्स है बोलो पता चला आपको क्लियर है तो ये तीन चीजें आप उसके अंदर लिखेंगे चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी कहाँ से हुआ था ओरिजिन याद करो याद करो याद करो यस yes, आंध्र प्रदेश थीम क्या था बेसिक वुमेन्स ब्यूटी था क्लियर ओके एंड कौन कौन से थे जो प्रिजर्वर थे तो राजा रेड्डी उसमें थे ठीक है आ, ऐसे नाम हम लोगों ने उसके अंदर देखे थे बोलो क्लियर है ओके चल उसके बाद कथकली के बारे में बात की थी कथकली सम कहाँ से बिलोंग करता था यस yes, बेटा केरला से बिलोंग करता था उसके अंदर फेशियल एक्सप्रेशन आपको करने पड़ते है, वो हमने बात की थी, वो सारी हमने देखी थी और मेजर जो थीम होता है वो कृष्ण स्वामी थे और फिर लास्टली श्री निवासन थे ठीक है ओके चलो उसके बाद आया था ओरिजिन उत्तर प्रदेश फिर रासलीला ऑफ कृष्ण और यूजुअली मैन और वेमेन दोनों करते हैं और कौन कौन से थे उसके प्रिजर्वर तो यस 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 कौन थे श्री पंडित बिरजू महाराज ओके okay. उसके बाद शोभा नायडू यस उसके बाद सितारा देवी ये तीन उसमें थे ठीक है देन लास्ट मणिपुर के बारे में बात की थी मणिपुर जो है वो कहाँ का है मतलब मणिपुरी जो है वो मणिपुर का है ओके okay, क्लियर है उसमें बेसिकली क्या पहना था दैट वॉज आर क्वेश्चन ऑफ द डे हाँ कुमीन यस yes, करेक्ट कि भी कुमीन एक पेटीकोट जैसा होता है दैट इज बेसिकली ऑफ ग्रीन कलर मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन दी करेक्ट आंसर बेटा ठीक है ओके okay. चलो सो ऑल द वेरी बेस्ट आई नो आप लोग बहुत ध्यान से वीडियो देखते हो एंड थैंक यू सो मच ऑल द बच्चा लोग फॉर योर ट्रू लव ओके टूवर्ड्स दिस बजरंग सीरीज आप लोग देख रहे हो दैट गिव अस इमेंस जॉय कि हम लोग ये काम कर पाए ओके okay, बेटा ओके okay? चलो उसके बाद हम लोगों ने जो मणिपुरी के प्रिजर्वर थे उनके बारे में बात की थी वो वर्दी प्रिजर्वर प्रिजर्वर थे गुरु अतोमी सिंह और गुरु अमो सिंह ठीक है तो इतना हमने लास्ट लेक्चर में देखा था तो आज के लेक्चर में वी शल स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ द सेशन एंड दैट इज ड्रामेटिक्स क्या बेटा ड्रामेटिक्स जो हम हर रोज घर पे करते हैं याद है ना हर रोज मम्मी के सामने पापा के सामने या मम्मी आज हुए यार मम्मी वो दिला दो ना ये सब फलाना वगैरह वो आप सब लोग करते हो मैं भी करता कर ठीक है बट वॉट इज ड्रामा एक्चुअली बेटा तो अगर ड्रामा जो है इट इज अ काइंड ऑफ यू नो इमोशनल थिंग जिसके अंदर दोनों चीजें आ जाती है कौन सी कौनसी विजुअल और ऑडियो ठीक है तो ऑडिटरी और विजुअल दोनों एड्स आ सकते हैं जिसको तुम देख भी सकते हो और जिसको तुम सुन भी सकते हो बोलो क्लियर है बोलो क्लियर है ओके वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रामा ठीक है बेटा चलो ड्रामा में एक खासियत ऐसी हमसे बड़ा हो सब लोगों को एंटरटेन कर सकता है ड्रामा ठीक है और भरत मुनि कई एक बुक है कॉल्ड नाट्य शास्त्र उसके अंदर से ड्रामेटिक्स लिया गया है बेटा ठीक है और भरत मुनि ने उसके अंदर कहा गया है कि देर इज नथिंग

बट बेसिकलीवन हंड्रेड टू एट हंड्रेड इस ओल्ड ओके एंड दैट वॉज फ्लरिस्ड जो फ्लरिश किया गया था सबसे ज्यादा फेमस हुआ था इन विच एरा इन सोलंकी एरा ठीक है जितने भी सोलंकी किंग्स uh, थे गुजरात के अंदर उनके टाइम में ये भवाई बहुत ही ज्यादा फेमस हुई थी वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ भवाई डन बाय ठाकर बोलो क्लियर है ओके ओके बेटा यू ऑल पीपल कैन कीप द नोटबुक एंड पेन विथ यू ये मैं जो भी बोल रहा हूँ ये आप नोट डाउन करते जाइए क्योंकि ये नोट डाउन आपको बहुत काम आने वाला है बेटा क्योंकि आप पूरी टेक्स्ट बुक रिफर करो उससे अच्छा ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ अगर वो आप लिखते जाओगे सो इट विल वेरी वेरी आई नो मोस्ट ऑफ यू आर डूइंग दैट सो ग्रेट ऑफ ठीक है तो लेट अस कंटिन्यू सोलंकी एरा के अंदर हुआ था एंड uh, इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मतलब कैरेक्टर्स होते हैं बेटा लाइक रामदेव झंडा झूलन ओके ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि ये कभी भी ऑन स्टेज नहीं होता ये स्ट्रीट पे होता है ये विदाउट कर्टन होता है जस्ट दे यूज ट्रम्पेट दैट्स इट उतना ही वो यूज करते हैं एंड बेसिकली दिसल सब्जेक्ट जो भी अपने आजू बाजू आपको दिखता है एंड रंगली आर वर्ड ऑफ देशन फॉर टुडे क्यूं बिकॉज दैट फोकस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट एंड गर्ल एजुकेशन बोलो क्लियर है बोलो क्लियर है ओके तो हमारे ये जो कल्चर में जितनी भी चीजें दी गई है बेटा दैट हैज सम इंडिविजुअलिटी सम हैज सम इम्पोर्टेंस इन इट क्लियर है बेटा बोलो क्लियर है ओके चलो देन दर्ड टॉपिक फॉर टूडे ट्राइबल डांस क्लियर लेट इज टॉक अबाउट द ट्राइबल डांस ये जो ट्राइबल डांसेस होते हैं बेटा दैट इज यूजली डन बाय पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल दैट इज ट्राइब ठीक है जो सम वॉट अंडर डेवलप्ड होते हैं विच हु आर लिविंग सम अवे फ्रॉम द सिटी जो सिटी एरिया से बहुत दूर रहते हैं ठीक है बेटा ओके तो ये जो सारे ट्राइब हैं, दे परफॉर्म द ट्राइबल डांस आई विल गिव यू द एग्जांपल मालीनो चाड़ो एंड ठाकरयो चाड़ो आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ डांग एरिया जो है वहां पे ये ट्राइब्स फॉलो करती है अपार्ट फ्रॉम द टिपणी डांस इज डन बाय द कोली एंड द भील पीपल अपार्ट फ्रॉम दैट द बेस्ट 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 फोक डांस ऑफ गुजरात इज इज ए हेलो दैट इज गरबा यस बेटा सो गरबा जो है दैट इज मेजर ट्राइबल डांस ऑफ गुजरात जो ठीक है गरबा जो है वो नौ दिन किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड नवरात्रि एंड द लास्ट डे ऑफ गरबा इज़ द शेरा, बोलो क्लियर है ओके बेटा चल। उसके बाद आता है रास वी यूज़ुअली डू द राट सेल्फ दैट बेसिकली डन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ श्री लॉर्ड कृष्ण बोलो ठीक है बेटा ओके चार उसके बाद एंड यस दैट रास यस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रास के बारे में जो रास है दैट बेसिकली सो शोज द रास लीला और कृष्ण लीला जो कृष्ण लीला की होती है जो रास लीला की होती है लॉर्ड कृष्ण ने उसके ऊपर बेस्ड होता है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रास मोस्ट ऑफ द टाइम डन इन द पैर्स क्योंकि पैरिस में किया जाता है बिकॉज श्री कृष्ण स्टार्टेड दैट फैशन ओके क्लियर है बेटा चलो

बोलो ठीक है पता चला ओके okay, तो इसमें क्या होता है जब ये लोग डांडिया खेलते हैं तो बाहर का जो सर्कल होता है वो लोग अंदर आएंगे अंदर का जो सर्कल होता है वो बाहर जाएगा मतलब क्या अगर आप ऊपर से आप देखो तो आपको कैसा दिखेगा खुल रहा है बंद हो रहा है खुल रहा है बंद हो रहा है ऐसा आपको दिखेगा एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो गोफ गुंथन में होता है यूजुअली आपने नानी को वो uh,

करे, simple, धमाल okay, uh, okay, तो और उसमें बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स के यूजुअली आवाज निकाले जाते हैं ठीक है uh, माध्यम पे ऐसा वो uh, 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 है उनका उन्होंने वो uh, क्राउन जैसा बनाया होता है तो वो भी होता है क्लियर और सम ऐसे वो छोटे छोटे ड्रम्स होते हैं ना वो यहाँ पे उन्होंने फिट किए होते हैं और वो वो बजाते हैं सो काइंड ऑफ ट्राइबल डांस है बेटा ठीक है तो वैसा ही उनका पोस्टर भी होगा जेस्टर भी होगा और द वे दे डू द डांस क्लियर ओके चल नंबर थ्री इज मेयर मेयर डांस जो है दैट बेसिकली बिलोंग्स टू बिलोंग्स टू बनासकांठा ओके बेटा उसके बाद जो है पढ़ावर दैट इज बेसिकली बिलोंग्स टू सुरेंद्र नगर और उसके बाद मेर uh, मेराय और कोली ये जो दोनों डांसेस है प्लेसिस ऑफ सौराष्ट्र ठीक है बेटा बोलो क्लियर इतना तो ये सारी चीजें उसके अंदर होती है बोलो क्लियर डन है एकदम सौ टका पक्का ओके सो दिस इज दास्ट थिंग अबाउट चैप्टर कॉल्ड इंडियन कल्चरल हेरिटेज एंड हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स ये पूरा चैप्टर हो गया है सो अकॉर्डिंगली आई विल गिव यू टुडे द क्वेश्चन ऑफ द सेशन एंड दैट इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैरिटेज ठीक है ये आपको मुझे बताना है आंसर्स में कि भी हेरिटेज का मतलब क्या होता है बोलो क्लियर है क्लियर है ओके अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत चीज जो मैंने पहले ही बताई और फिर से आपको बता रहा हूं कुछ नया आने वाला है एंड दैट इज पहले तो ये कुछ नया टॉपिक में लेके आऊंगा आपके लिए बजरंग सीरीज के अंदर एसएस में बट एक उससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि यस yes, बेटा मैंने आपको अगर पता हो तो एक डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दी थी सजेशन लिंक यस तो वहां पे बहुत सारे बच्चों ने मुझे सजेशन भेजा है कि सर अगर आप एसएस बजरंग सीरीज शुरू शुरू किया है आपने सो सर प्लीज आप इंग्लिश का भी शुरू करो सो यस आई टोल्ड यू आई एम ऑन डिमांड तो हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए बजरंग सीरीज विथ इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश के जो अच्छे अच्छे सारे कॉन्सेप्ट है ग्रामर के वो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम दी बेसिक इट फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी विल गो इनटू टू दी ग्रामर ऑफ इंग्लिश सो स्टेट यून विथ अस फॉर दी मोर अपडेट्स ओनली ऑन रसायनम इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल बेटा ठीक है ओके okay. सो so बहुत मजा आने वाली है आगे प्लीज बी विथ अस टिल दैट आई एम कंक्लूडिंग दिस सेशन टूडे आप अपना काम कर देना कौन सा काम लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो और बॉस बाजू वाली घंटी बजानी है आपको बोलो क्लियर है ठीक है सो so, अपन लोग मिलते हैं फिर रेगुलरली अपने टाइम पे टिल दैट गुड बाय